हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुधाय, जय भी। मैं आपका दोस्त मिथिलेश। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम शाहरुख खान के बारे में बात करने वाले दोस्तों। जी हां, आमिर खान के बाद अब शाहरुख खान भी शांति की तलाश में भटक रहे हैं और वो आप पहुँचे हैं भगवान बुद्ध की शरण में। तो पूरी जानकारी डिटेल में आपको दूंगा, इस वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। आज से कुछ महीने पहले मैंने आपको आमिर खान के बारे में बताया था कि वो शांति की तलाश में भटक रहे हैं और मेडिटेशन करने के लिए वो बुद्ध की शरण में काठमांडू गए हैं। जी हाँ, उसके बारे में मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आए बटन पर ये देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो पूरा आपका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। और शांति का सिर्फ एक ही मार्ग है, आपको आना पड़ेगा भगवान बुद्ध की शरण में। आमिर खान के बाद दोस्तों अब शाहरुख खान भी भगवान बुद्ध की शरण में आ गए हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि शाहरुख खान पिछले कुछ सालों से कितने हेक्टिक चल रहे हैं। पहले उनके बेटे आर्यन खान ड्रग केस में पकड़े गए। तो दोस्तों भारत ने शाहरुख खान ही नहीं तो पूरे बॉलीवुड को ही बायकॉट कर दिया था। अब कोरोना के बाद काफ़ी लंबी गैप के बाद उनकी जब पठान फिल्म लगी तब भी बीजेपी उनके हाथ धो के पीछे पड़ गई थी कि भगवा रंग ये वो, और उन्होंने भी ट्रेंड चलाया, हैशटैग चलाया, हैशटैग बायकॉट शाहरुख खान, बायकॉट पठान। इस वजह से वो और ट्रबल में आ गए। फिर भी सबको मात देते हुए फिल्म रिलीज हुई और पर्दे पर लगी और 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करी। अब दोस्तों 7 सितंबर को उनकी फिल्म आने वाली है जवान। जी हाँ, इस बार वो कोई सी कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं फंसे हैं। तो शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके कहा है कि वो अभी शांति चाहते हैं। आने वाली वो कुछ फिल्मों की शूटिंग्स उन्होंने रुका दी है और उन्होंने भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई किताबों का सेट ऑनलाइन ऑर्डर किया है और लिखा है कि वो उसे पढ़ने के लिए काफ़ी उत्सुक है ताकि वो शांति का मार्ग खोज सके। भगवान बुद्ध से रिलेटेड किताबें पढ़ना भी एक तरह का मेडिटेशन है। वहाँ से आपको अच्छे मार्ग मिलते हैं, उनके जो थॉट्स है, बुद्धा थॉट्स, वो पढ़कर ही आप पॉजिटिव एनर्जी आपको आती है, ऐसा शाहरुख खान का कहना है दोस्तों। इससे ये समझ में आता है दोस्तों कि आप कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, फेमस क्यों ना हो, या आपके कदमों में पूरी दुनिया क्यों ना हो, अगर आपको शांति चाहिए आपके जीवन में तो आपको भगवान बुद्ध के ही शरण में आना पड़ेगा। चाहे फिर आप उनकी किताबें पढ़िए या मेडिटेशन करिए, एक वही मार्ग है जो आपके दिल और दिमाग को शांत कर सकता है, जिससे आपको जीवन जीने की अच्छी राह मिलती है। इस ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए शाहरुख खान के फैन ने लिखा है कि मुझे डर है, विनोद खन्ना भी एक ज़माने में शांति ढूंढने के लिए ओशो में चले गए थे। जब उनका करियर पीक पे था तब उन्होंने ये निर्णय लिया और वो ओशो में चले गए। ओशो में जाने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली, फिर से अपनी दुनिया में वापस आना चाहा जब उन्होंने अपने बच्चों के पास फिल्मों में, तब ऑडियंस ने भी उन्हें नकार दिया और फैमिली ने भी उन्हें नकार दिया। तो वैसी हालत शाहरुख खान की ना हो, ऐसे एक उनके फ़ैन ने ट्वीट किया है। लेकिन मैं उनके फ़ैन को बताना चाहता हूँ, वो सिर्फ भगवान बुद्ध की किताबें पढ़कर मेडिटेशन कर रहे हैं और ख़ुद के दिमाग को शांत कर रहे हैं। भाई, इंसान कितना भी पैसे वाला है, पावरफुल क्यों ना हो, सबको चिंताएं लगी है, सबको निगेटिविटी आती है, सबको डर लगता है कि उनके साथ आगे क्या होगा। तो उससे बचने का एक ही मार्ग है, आप भी भगवान बुद्ध की अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मोटिवेशनल किताबें हैं भगवान बुद्ध की, उनकी जो जातक कथाएँ हैं वो अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ लो कि आप संसार जीत लिया भाई, इतना ज़बरदस्त उनकी किताबें हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को दोस्तों ज़रा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।